आज रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी भी इन दिनों लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पैंगोंग लेक पर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाह जमीन छीन ली गई है। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, तो मैं आना चाहता था। तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया जाया। So how was your bike ride yesterday? You traveled almost 160 kilometers. It was nice. Because I find जो अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा आसानी से बातचीत हो जाती है, मतलब एक्सेस आसान होती है। गाड़ी में थोड़ा बंद रहते हैं तो कम बातचीत हो पाती है। अगर यहाँ पे कम ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी वाले इतना माइंड नहीं करते हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ना करने दें। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेज़ी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए। और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। शनिवार को वे राइडर लुक में भी नजर आए थे। वे लद्दाख से खुद बाइक राइड कर पैंगोंग लेक के लिए रवाना हुए थे, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था।